असल क्लास आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा टॉपिक है मॉडर्न ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट लेक्चर में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अबाउट पढ़ा था और उसकी डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी ग्लोबल विलेज एंड डिजिटल कन्वर्जेंस आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे डिस्कस मॉडर्न मॉडर्नर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मॉडर्न स्नैरियोज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोड्यूट द बेस ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं कि इन स्नारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं इन्होंने हमारी जो कंप्यूटिंग का यूज़ है उसको बहुत ज़्यादा वसी बना दिया है आज कल कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज़ हो रहा है जो कंप्यूटर का यूज है वो डिफरेंट एप्लीकेशन के थ्रू होता है डिफरेंट टेक्निक्स uh, के थ्रू होता है अब वो देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनमें कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है ठीक है सेटेलाइट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं ठीक है इसके बाद मोबाइल फोन्स हैं फैक्स ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स आर यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन वो कहते हैं कि ये सारी एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू क्या होता है हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सेंड होती है ठीक है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है सेंड होती है सेंड एंड रिसीव होती है ठीक है समझ आ गई क्या इसमें बताया गया हुआ है कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया कंप्यूटर के यूज को बहुत ज्यादा वसी कर दिया और डिफरेंट उसने अप्लीकेशन बता दी जिनके थ्रू तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है एक्सचेंज होती है दीज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड ए मॉडर्न ऑफ कंप्यूटर स्नारीशन वो कहते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर का यूज है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया है ठीक है कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कंप्यूटर के इस्तेमाल को एक जदीद मंजिल के तौर पर इन्होंने पेश किया टेक्नोलॉजी अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन आती हैं सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्या है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब बेस्ड एप्लीकेशन ई कॉमर्स एम कॉमर्स जिसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं कंप्यूटर एनिमेशन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मल्टी मीडिया एंड हाइपर मीडिया टोटल कितने हैं हमारे पास एप्लीकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट इज यूज टू डिप मशीन विद ह्यूमन लाइक क्वालिटीज वो कहते हैं किस तरह की मशीन बनाई गई है जो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज रखती है जो इंसान की तरह काम करती है इंसान की तरह उनमें क्वालिटीज होती है ठीक है सच एस लर्निंग संग एंडरिंग क्या कहता है कि ऐसी मशीन डेवलप की गई हैं जो ह्यूमन लाइक की तरह वर्क करती हैं फॉर एग्जांपल आप कभी अः मतलब लाहौर या इस्लामाबाद में किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो उधर रिबोटिक्स वगैरह जो होते हैं वो आपको खाना सर्व कर रहे होते हैं बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन लाइक वर्क कर रहे होते हैं ठीक है ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म है जिसमें कुछ ऐसी मशीन बनाई गई हैं जिनमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज होती हैं और वो उस तरह वर्क करती हैं ठीक है वो मतलब लर्न कर सकती हैं सीख कर सकती हैं हेल्प कर सकती हैं ठीक है ठीके? आगे देखते हैं हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ये टाइप है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की दैट इज अवेलेबल ऑन दी वेब जो कि अवेलेबल होती है वेब पर द यूजर कैन यूज इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट वो कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि वेब पर अवेलेबल होती है और ये आप इसको यूजर जो है वो यूज करता है इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर फॉर एग्जांपल आप गूगल गूगल क्रोम के ऊपर कोई भी एप्लीकेशन का नेम लिखते हैं जैसे एजुकेशन के अबाउट बहुत सारी एप्लीकेशन बनी है तो वो एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने शो हो जाती है इट्स मीन कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो ठीक है तो यूजर उसको कैसे ओपन करता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है आगे हमारी जो थर्ड है वो है ई कॉमर्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस अवर है कि जो बिजनेस हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम ई कॉमर्स ई कॉमर्स किसे कहते हैं जो बिजनेस हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं ठीक है ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं जैसे दराज हो गया जिसके ऊपर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इस तरह अली एक्सप्रेस हो गया उसके ऊपर भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ठीक है ये हमारी क्या है ई e कॉमर्स है आगे देते हैं मोबाइल कॉमर्स इट इज अ प्रोसेस बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फोन्स वो कहते हैं कि ये प्रोसेस है आप बाई करते हो गुड्स एंड सर्विस करते हो अपने फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने जो एप्लीकेशन दी e है की जो दराज है वो बेसिकली एक बिजनेस का है इंटरनेट के थ्रू ठीक है उसका नेम उन्होंने उस बिजनेस का दराज रख लिया हुआ है मोबाइल कामर्स में क्या करते है उसी दराज से आप लोग चीजें वगैरा खरीदते हो ठीक है वो मोबाइल के थ्रू आप लोग शॉपिंग वगैरा करते ते हैं ऑनलाइन ठीक है उस को क्या कहते हैं मोबाइल कामरे ठीक है समझ आ गई आगे चलते हैं हम कंप्यूटर एनिमेशन इट इज ए प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर। आप लोग इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कंप्यूटर एनिमेशन करते हैं ठीक है वो एनिमेशन होते, होते, होते हैं जो आपके सामने वो जो इमेजेस होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग किस करते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स वो कहता है कि एक ही टास्क है और वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे हो रहा होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ठीक है फॉर एग्जांपल आप लोग कॉलेज में एडमन में कभी जाओ तो एडमन में एक रूम में थ्री और फोर कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली वो जो सारा है वो आपका जो कॉलेजेस में डिफरेंट सेक्शंस वगैरह बने होते हैं बच्चों का जो सिस्टम होता है वो से आ रहा, उसको हैंडल रहे होते हैं। वो एक टास्क होता है लेकिन मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म हो रहा होता है ठीक है इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आगे चलते हैं हमारी जो लास्ट टर्म है वो है मल्टी मीडिया एंड है मल्टी इज द कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स एनिमेशन ऑडियोज एंडियोज प्रेजेंटेड बाई कंप्यूटर्स अब हम ग्राफिक्स क्या होते हैं जो ये पिक्चर्स वगैरह होती हैं ठीक है वो आपके हो ग्राफिक्स होते हैं एनिमेशंस क्या होते हैं वही जो मूविंग इमेजेस जो आपको नजर आ रहे होते हैं कंप्यूटर्स में ऑडियोज आप लोग सुनते हो वीडियोज आप लोग देखते हो कंप्यूटर पर प्रजेंटेड बाई कंप्यूटर वो कहता है कि मल्टी कलेक्शन है ग्राफिक्स की एनिमेशंस की ऑडियोज की और वीडियोज की जो आप लोग ड्रामाज वगैरह देखते हो और प्रेजेंटेड बाई कंप्यूटर्स कंप्यूटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ठीक है उसको क्या कहते हैं मल्टीमीडिया आप लोग अक्सर लैब में लेक्चर लेने जाते हो गए अपनी क्लासेस में तो मल्टीमीडिया के ऊपर आपको स्क्रीन पर स्लाइड्स शो हो रही होती हैं ठीक है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं मल्टीमीडिया फिर आगे आ गया है इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू फाइल डेट कंटेन्स फोटोग्राफ्स ऑडियोस एंड टेक्स ठीक है वो क्या है प्रोसेस है क्रिएटिंग इधर क्या करते हैं क्रिएट करते हैं file, है, फोटोग्राफिंग्स पर आडियो पर विडियो पर एंड टेक्स पर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा दफा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ठीक है मल्टी मीडिया में क्या है कि हम प्रेजेंट करते हैं कलेक्शन को किधर कंप्यूटर पर हाइपर मीडिया में क्या होते हैं हमारे लिंक्स क्रिएट होते हैं क्रिएटिंग लिंक फाइल्स वो भी कंटेंट्स होते हैं किस पर ग्राफिक्स पर ऑडियोज एंड वीडियोज पर ये दो डिफरेंस इसमें याद रखना है ठीक है आज का हमारा यही लेक्चर है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सॉफ्टवेयर्स के अबाउट पढ़ेंगे ठीक है अल्लाह हाफिज बच्चों मेरे ख्याल से सारे लेक्चर्स की आप लोगों को समझ आ रही होगी ठीक है अच्छे से प्रिपेयर करना है अल्लाह हाफिज क्लास